The initial velocity of particle of mass 2 kg is इतना, a constant force इतना applied on the particle initially. The particle was origin, the x coordinate of particle where y coordinate again 0. ये तो सिंपल मतलब बेसिक एनालिसिस के ऊपर ही है. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, पहले विजुलाइज कर लो क्वेश्चन को. तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, कभी कभी डॉटेड लाइन भी यूज करो. एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, ओके. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 kg इज 4i प्लस 4j. मतलब इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट 4 है ना, x कंपोनेंट भी 4 मीटर पर सेकंड है और y कंपोनेंट भी 4 मीटर पर सेकंड है. y कंपोनेंट में अलग कलर से दिखाता हूं. कॉन्स्टेंट फोर्स 20J, फोर्स इधर लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में है, 20J फोर्स जो है वो इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है ना, नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, एकदम विजुलाइज हो गया 20 न्यूटन. ठीक है, अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, इनिशियली द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, तो वो तो बनाया ही मैंने, पार्टिकल को ओरिजिन पर बनाया. ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन वाई कोऑर्डिनेट इज अगेन जीरो, तो y कोऑर्डिनेट अगेन जीरो करना है. तो इसका x कंपोनेंट ऐसे है और y डायरेक्शन में ऐसे है. सर फोर्स और मास दिया, एक्सेलरेशन फाइंड कर देंगे. हाँ हाँ, और फिर वो सेकंड इक्वेशन में लगा देंगे काइनेमेटिक्स की. बस पहले समझ दे तो दे सवाल को पहले, है ना, उससे पहले सवाल को समझ दे, वो तो सोल्यूशन हो गया, छोड़ दे जाने दे, सवाल को पहले समझ दे. इसका पहले ये समझो इसका y कोऑर्डिनेट क्यों जीरो होगा, अगर अलग अलग एनालाइज भी करें, अगर पूरा ना भी बनाए तब भी ठीक है, है ना. ये तुमने पहले सॉल्व किया इसलिए बता रहे हो, मैंने पहले सॉल्व नहीं किया तो मैं बेसिक से एनालाइज करूंगा, है ना, मैं पहले सॉल्व नहीं करता हूँ. तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मुझे जीरो करना है. पहले वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा भी नहीं होगा. देखो ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, यानी जो फोर्स है वो पहले वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, फिर जीरो करेगा, फिर वापस ऐसे कर देगा, है ना. तो पहले हमें वाई डायरेक्शन में एनालाइज कर लो, वाई डायरेक्शन में ब्लू वाला एनालिसिस करता हूँ. वाई डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, अपवर्ड पॉजिटिव लो डाउनवर्ड नेगेटिव लो. तो y डायरेक्शन में पहले एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, है ना, फोर्स बाय मास होता है, फोर्स है 20 न्यूटन, है ना, और मास कितना है 2 kg. फॉर्मूला अगर जब नहीं लिखना होगा तो यूनिट के साथ लिखा करो, तो अपने आप पता लग जाएगा ऊपर फोर्स है नीचे मास है. ये बहुत अच्छी ट्रिक है. तो 10 न्यूटन पर kg, ऑब्वियसली न्यूटन पर केजी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, तो ए वाई 10 हो जाएगा. मगर हमें अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है, तो ए वाई को अगर वेक्टर में लोगे तो ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस टेन हो जाएगा. ठीक है, अब ऑब्वियसली डेल्टा वाई इक्वेशन लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट दोबारा से जीरो होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई, यही इक्वेशन लगेगी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाली, है ना. तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऑफ ए वाई टी स्क्वायर अपनी जो कॉमन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, बेसिक वाली इक्वेशन. डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो, यानी पार्टिकल ऊपर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि ये इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, टाइम हमें फाइंड करना है और प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस 10 आ चुकी है, माइनस टेन लेनी. ठीक है, और टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी टी टी कैंसिल हो जाएगा, 5t का स्क्वायर इज इक्वल टू, या टी टी 8t, तो जीरो ही आएगा, तो क्या कर दो, 5t इज इक्वल टू 4, हाँ 5t इज इक्वल टू 4 कर दोगे, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 8t तो जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करोगे तो 8t जीरो आएगा, कितना आएगा, 4/5 सेकंड, है ना, सही, यस सर, 4/5 सेकंड.
उसके बाद मैं पिंक वाला कंपोनेंट लगा रहा हूँ तो x कोऑर्डिनेट निकल रहा था, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, तो x कोऑर्डिनेट, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इधर तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इधर तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लगाओगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा एक चीज और सिखा दे रहा हूँ, जैसे जब फॉर्मूला नहीं लिखना हो तो यूनिट के टर्म में लिखा करो, अपने आप आ जाएगा, इससे फॉर्मूला में कभी कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा शायद कि क्या फॉर्मूला, कभी भूल जाते होंगे, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, तो यूनिट के साथ लिखो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। 4/5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना आ गया, 4/5 सेकेंड, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सेकेंड सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 4 मीटर आएगा। तो इस तरह से फॉर्मूले में, जब कभी भी किसी फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो, एक्स की वैल्यू 4 मीटर आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू आंसर तो नहीं आ रहा इसमें, मुझे क्या